कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। याद रहे सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें जब ये टीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है और ये जो वर्ल्ड कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब से कुछ अर्से पहले ही इनको कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर चुना गया था। परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अज़र भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर थ्री का स्पॉट था जहाँ मैंने बैटिंग की थी, और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ उसमें मैं नंबर थ्री पे खेलूँ, ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊँ और कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो आई थिंक एज ए टॉप थ्री ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर फोर है, और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। फिर जहाँ तक आप फास्ट बॉलर्स पे आए, खुर्रम शहजाद का भी अगेन ये था कि एक मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, कि जब टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जगह बनेगी, आप टॉप करेंगे तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो रिवॉर्ड मीर हमज़ा को भी मिला है। आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, वर्कलोड का नाम लिया। देखें मेरी तरफ से आप एक प्लेयर की ख्वाहिश कर सकते हैं, बट समटाइम्स वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। हारिस रऊफ हमारी ख्वाहिश थी, हम समझते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एक उनके पास एक वो एडिड चीज़ थी पेस की, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हुआ है कि मार्क वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की भी है, उनके अपने बॉलर्स जिनके पास पेस होती है वो भी वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट देखें अब वी हैव टू मूव ऑन एज अ साइड, अगर वो नहीं अवेलेबल हैं वो नहीं अवेलेबल हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो करंट जो हम साथ फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वंस अगेन इसको मैं कैप ऑफ करूँगा कि टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी। बट जहाँ हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। जीशान, आपने जैसे आपने कहा कि सेटल टीम है, टेस्ट टीम ज़ाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर तो सेटल है, मिडल ऑर्डर में हमेशा हमारा इशू रहा है, हम शफल करते रहे, और एक टाइम पे हमने दो कीपर भी सरफराज और रिजवान को इकट्ठे खिलाया, तो क्या आप भी इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे? और दूसरा ये कि जो सीनियर क्रिकेटर वो बड़े क्रिटिक हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखिए सबसे पहले जो वही बात की है, जब सेटल टीम होती है तो आप फिर कंडीशनली चलते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तब आप उस चीज़ को कुछ देखते हैं जी। टैक्टिकली जहां हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हुआ, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस आपको प्रेजेंट हों कि जहां आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हो, वहाँ हम इस चीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन जब सेटल्ड होती है आप कोशिश करते हैं कि उसी आप कॉम्बिनेशन से जाएँ, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पिनर भी चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंडीशंस हो। तो कोशिश होगी कि 20 आउट करने के लिए आपको 5 बॉलर्स भी चाहिए, तो इसलिए हमने 18 का स्क्वाड जो बनाया, हमारा जो पूरा फोकस था वो यही था कि किस तरीके से हम रन्स कर सकते हैं और फिर हम 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जाके हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी, यहाँ बैठे बैठे इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि लास्ट टाइम हम 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। फिर जहाँ तक आपने क्रिटिसिज्म की बात की, देखें क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा,
हमारी चीज़ है कि हम हर चीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हम एज ए टीम, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, हम उस पर ही रहेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, खुद ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही उनको बेहतर करें। अच्छा शान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी विकेट्स आपको मिलेंगी, वहाँ पर पता चला है हमें कि ड्रॉप इन पिचेस भी वहाँ पर लगा दी गई हैं पर्थ स्टेडियम में, तो क्या समझते हैं कि आपकी जो तैयारी रही है इधर पिंडी के अंदर, वहाँ पे तो ज़्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की रही, और क्या समझते हैं कि जो पहले चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन रमीज राजा, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का एक मंसूबा भी शुरू किया था, वो कितना ज़रूरी हो सकता है प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि सीरीज़ हार जाते हैं, वहाँ पर हमारे प्लेयर्स कंडीशन से मैच नहीं कर पाते, तो कितना ज़रूरी है डोमेस्टिक के अंदर अच्छी विकेट्स का होना? देखिए, मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें सिर्फ पिचेस नहीं है। नंबर वन, हमने एज ए टीम, एज ए ग्रुप, हमने पूरी कोशिश की कि जो हम कंडीशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इधर, वो हमने की। हमने विकेट्स पे थोड़ा ग्रास छोड़ा, हमने उनको रोल करके उनको विकेट की जो हार्डनेस है, और वो आई थिंक पिंडी ही इस वक्त एक सेंटर है जहाँ आपको थोड़ा बहुत पेस और बाउंस मिल सकता है। वो ऑब्वियसली हम टेस्ट मैच में थोड़ी डिफरेंट पिचेस बनाते हैं कि अपने आप को हम एक वो सूटेबल होम एडवांटेज दें, लेकिन नेचुरली अगर आप पिंडी में डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या जो भी क्रिकेट होती है, पिंडी में पेस भी होता है, उसमें थोड़ा बाउंस भी होता है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से होता है। हमने वहाँ सिनारियो मैच भी खेला, हमने जब नेट्स किए, हमने एक्स्ट्रा डोमेस्टिक के परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे उनको भी बुलाया, तो हमने अपनी तरफ से एज अ बैटिंग यूनिट काफ़ी कोशिशें की कि हम किस तरीके से उन कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं। जहाँ तक आप ड्रॉप इन पिचेस की बातें करते हैं, जी बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि हर जगह आपको अलग कंडीशंस मिलती हैं। पाकिस्तान में अलग कंडीशंस हैं, आप पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकते। इंग्लैंड में अलग कंडीशंस हैं, साउथ अफ्रीका में अलग हैं, श्रीलंका में अलग हैं, तो आपको अपने कंडीशंस में रह के वो करना चाहिए। जहाँ तक आपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात की, इसमें आपके अंडर 19 टूर्स आते हैं, इसमें आपके ए टूर्स आते हैं, और बहुत सारी टीम्स रेगुलरली टूर करती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, साउथ अफ्रीका भी, अपनी ए टीम्स के साथ, अपनी जूनियर टीम्स के साथ। तो आई थिंक ये एक स्टेप है। पिचेस आई डोंट थिंक आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट ये एक स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपके जो ए टूर्स हैं, शाहीन के जो टूर्स हैं, अंडर 19 टूर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, उन कंडीशन में खेलें। हम कोशिश करें कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जा कर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उन कंडीशन से यूज़ टू हों, ताकि जब वहाँ के टूर्स आए तो हम भी परफॉर्म उधर उसी तरीके से कर सकें। शान, इधर एज ए नायब कप्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनने पर कितने मायूस हुए थे आप, और अब रेड बॉल सबसे टफेस्ट क्रिकेट है, उसका कप्तान बनना कितना एजाज़ है, और क्या हिस्ट्री क्रिएट करना आपका हदफ है, और क्या एक मैसेज किया है सब जो सीनियर क्रिकेटर्स एज ए ओपनर जो खेल रहे हैं, जैसे अहमद शहजाद हैं, और वो उनके लिए क्या पैगाम है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं आपके? सबसे पहले देखें, कोई मायूसी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की टीम पहले आती है, चाहे वो नायब कप्तान हो, अगर उसकी जगह नहीं बनती तो उसकी जगह नहीं बनती। जो भी सिलेक्शन डिसीजन होता है, हमेशा रिस्पेक्ट की है, हमेशा कोशिश की है कि जिधर सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ उधर अपना गेम इम्प्रूव करूँ, और वापस सेलेक्टर्स को मनवाऊँ कि मैं उस जगह पे वापस खेल सकता हूँ। देखें, कप्तानी का जो आपने बोला है, पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, तो उसकी कप्तानी करना और बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत चीज़ें आपके हाथ में होती हैं जो आपके मुल्क से रिलेटेड होती हैं, आपके मुल्क का इमेज होता है, आपके प्लेयर्स होते हैं, आपके प्लेयर्स का करियर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको साथ लेके चलना होता है। जहाँ तक आपने बाकी सीनियर प्लेयर्स की बात की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे अहमद शहजाद के लिए, देखें डोर्स, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कोशिश ये है कि ऊपर से हम ये दिखाएं कि ये तरीका है खेलने का, ये एक ब्लू प्रिंट है, ये एक पहचान है पाकिस्तान टीम की एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड, एज ए बैटिंग यूनिट गोइंग फॉरवर्ड, और जो भी प्लेयर उस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो ज़रूर कंसिडर होगा, ज़रूर टीम में आएगा। बट पहले आप स्टार्ट करते हैं जो टीम आपके पास होती है, और मैंने पहले ही बोला है कि एक सेटल्ड यूनिट है, पहले आप इसको पूरा मौका दोगे, इसके थ्रू आप कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें हम एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए पाकिस्तान के लिए, और बाकी जो भी स्टैंडर्ड्स में और जो भी उन उस वे में डोमेस्टिक क्रिकेटर परफॉर्म करेगा उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे।
शान यू आर कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सीरीज सबके लिए एक चैलेंज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है, हमारा आगाज़ अच्छा है, कोशिश होगी फाइनल खेलें। उन्होंने कहा कि